नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज़। जानकारी डालते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। राजधानी लखनऊ में बाबा रामदेव ने मेट्रो में सफर किया। जानहों ने हजरतगंज मेट्रो स्टेशन से बापू भवन तक यात्रा की। यात्रा के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि हम मेट्रो में पहली बार बैठे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यात्रियों से बात की और साथ में फोटो भी खिंचवाई। फिरोजाबाद के टुंडा नगर पालिका में शासन कर्मचारी संघ के बैनर तले 18 सूत्री मांगों को 86 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं इस मामले में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने जल्द ही मांगों को पूरा करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। हरदोई में बिलग्राम इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में कई घरों में आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और नायब तहसीलदार और लेखपाल की टीम ने नुकसान का आंकलन किया। आग से प्रभावित हुए 47 परिवार को तिरपाल, कंबल और खाने की पूरी व्यवस्था की गई। कानपुर देहात में हुई अग्निकांड के पीड़ित परिवार से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत कर कहा कि मडौली गांव की घटना सरकार की नीतियों का परिणाम है। गौरतलब है कि 13 फरवरी को मडौली गांव में झोपड़ी के अंदर जिंदा जलकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी। फिरोजाबाद में ऑटो की टक्कर से ई रिक्शा पलट गया। इसमें चालक से कूद कर किसी तरह अपनी जान बचा ली, जबकि ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं हादसे के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया है। झांसी में युवती ने नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इससे पहले युवती ने अपने मोबाइल में बयान रिकॉर्ड कर मौत का जिम्मेदार कुंवर यादव और उसके परिवार को बताया है और खुद को इंसाफ दिलाने की बात भी कही है। फिरोजाबाद के दक्षिण थाना क्षेत्र में 5 साल के मासूम की तालाब में डूबकर मौत हो गई। वहीं इससे पहले मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। आगरा में भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस की टीम ने अवैध कब्जे को गिरवा दिया है। वहीं इस दौरान खेरागढ़ एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। फिरोजाबाद में महिला शिक्षक की बेरहमी और बर्बरता सामने आई है। स्कूल की एक बच्ची ने टॉयलेट जाने की इजाजत मांगी तो महिला शिक्षक ने पहले तो उसे डांट कर मना कर दिया। इसके बाद बच्ची ने कपड़ों में ही टॉयलेट करके ड्रेस गंदी कर दी। इसके बाद महिला शिक्षक ने बच्ची को इस कदर पीटा और बाल पकड़कर झंझोर दिया कि उसके बाल ही उखड़ गए। रायबरेली में सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं से प्रदर्शनी का डीएम ने फीता काट के उद्घाटन किया, साथ ही एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी लखनऊ में योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकारी आवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बरेली में एक किसान ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए बेटियों की शादी राजशाही तरीके से की, जहां दोनों चचेरी बहनों को हेलीकॉप्टर से विदा किया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर देखने के लिए गांव में काफी भीड़ देखी गई। आगरा के फतेहाबाद इलाके में जंगली जानवर के हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद जंगली जानवर को भगाने के लिए खेतों की तरफ ग्रामीण दौड़ते हुए दिखाई दिए। फिलहाल ग्रामीणों में जंगली जानवरों की दहशत है। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में बस में आग लग गई, जिससे युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बुलंदशहर में तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजड़े में एक ग्रामीण फंस गया। दरअसल शख्स ने पिंजड़े में तेंदुए को पकड़ने के लिए एक जिंदा मुर्गा रख दिया था। इसकी लालच में आकर ग्रामीण इस पिंजरे में कैद हो गया। वहीं शख्स ने मुर्गा चोर ग्रामीण का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। बिजनौर में शादी समारोह में नोटिस भरे पर्स पर हाथ साफ कर दिया गया, जहां बच्चे ने दुल्हन के पास बैठी महिला का पर्स चोरी कर लिया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीतापुर में चोकर से भरी ट्रक से लाखों की शराब बरामद कर दी गई है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर हरियाणा के बिहार में जा रही ट्रक शहर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ दी। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो गई है। ये फिल्म साउथ की एक फिल्म की ही रीमेक है। फिल्म एक सुपरस्टार और उसके फैन पुलिस वाले के टकराने पर आधारित है। भारतीय महिला टीम को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। केप टाउन में हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम के सामने 173 रनों का टारगेट रखा था, लेकिन भारतीय टीम 8 विकेट पर 167 रन ही बना सकी। वहीं इस हार के बाद से ही टीम इंडिया का एक बार फिर से वर्ल्ड खिताब जीतने का सपना टूट गया। बाती शराफा बाजार में आज सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सोने की कीमत 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी का भाव 64,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें मैं भारत न्यूज़। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।